इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। मेरे को पाँव में ना, हेलो जी, हाँ जी हाँ पाँव जी, पाँव में पाँव बहुत दर्द होता है, पाँव से लगा के हाथ तक। एज क्या है आपकी? मेरी 60 की है करीब। 60 के करीब एज है। मेहनत करते थे पहले बहुत ज्यादा, हाँ जी बहुत मेहनत करते थे। हाँ, मेहनत क्या, वो पहले कारीगरी का काम करता था सर। अभी तो मेहनत का काम नहीं है आपका? अभी तो नहीं करता हूँ, अभी अब नहीं बनता है। ठीक है, अभी कुछ दिन मेहनत नहीं करना, 2-4 महीने, और खूब ऊपर वाले से मदद मांगे। और देखिए, एक चीज़ आती है गोंद, स्याह काला गोंद, इसको ले लीजिए 100 ग्राम, और मेथी 500 ग्राम, मेथी आती है ना घर में, इसको 500 ग्राम, और गोंद स्याह 100 ग्राम पाउडर बनाइए, इनका मिक्स करके। रॉ मटेरियल लेना, पिसा पिसाया कुछ नहीं, और 1-1 ग्राम सुबह दोपहर शाम खाने के बाद, पानी से, बगैर चर्बी के दूध से, या रईस आदमी है तो जूस से भी ले सकते हैं। जी, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं कानपुर से। विवेक जी, स्वागत है आपका, बोलिए। ये खाना नहीं लगता है शरीर में, खाना तो खूब खाते हैं पर शरीर में नहीं लगता है, दुबला पतला दुबला पतला शरीर है काफी। एज क्या है आपकी? एज है 17। 17 साल। 17 साल में जी देखो, अगर एक्टिव हैं आप तो वेट की ज़रूरत नहीं है, लोग सेहतमंद लोगों से इम्प्रेस होते हैं। और अगर एक्टिव पूरी तरह है, ब्लड पूरा है, फुर्ती पूरी है, तो इलाज मत करिए। अगर फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें इलाज की ज़रूरत होती है, तो मैं इलाज बता देता हूँ। तो एक आता है गाउन मोरिंगा, ये आधा ग्राम रोज़ाना, अगर गरीब है तो पानी में मिलाकर रोज़ाना पी लिया करें, दूध में मिलाकर पी लिया करें, रईस है तो नारियल पानी में मिलाकर पी लिया करें। ये बहुत अच्छा है ग्रोथ के लिए, जिस्मानी ग्रोथ और लंबाई के लिए, बालों के लिए, ये बहुत अच्छा माना जाता है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विवेक जी, आप जैसे कि अपनी सेहत को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, अभी तो एज आपकी बहुत कम है, आप फिट हो सकते हैं, बहुत अच्छी आपकी सेहत हो सकती है, ये नुस्खे अपना लीजिएगा। उम्मीद करेंगे कि नोट डाउन आपने कर लिया होगा हर एक उस बात को जो यहाँ पे हकीम साहब आपको बता रहे हैं। दर्शकों, लाइव कार्यक्रम चल रहा है, अगर आप लोग भी सेहत से जुड़ी कोई भी बात जानना चाहते हैं, नुस्खे जानना चाहते हैं, यूनानी आयुर्वेद अगर आप लोग ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं, तो आप लोगों को करना क्या है, इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। अगर बात की जाती है दर्शकों अतिया हर्ब्स की, तो अतिया हर्ब्स एक ब्रांडेड कंपनी है, 500 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजी इसकी देश भर में है, जिसके फाउंडर प्रमोटर रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब। हकीम साहब, जैसे कि कॉलर हमारे साथ जुड़ी थी जिनके घुटने बदलवाने की नौबत तो आ गई थी, लेकिन तब भी दर्द है। व्यक्ति क्या करता है, ऑपरेशन तब कराता है जब उसको लगता है कि अब ऑपरेशन कराने के बाद उसको आराम पड़ जाएगा, लेकिन हम देखते कुछ उलट ही हैं, परेशानी हमारी कम नहीं होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या ऑपरेशन कराए बिना भी हम ठीक हो सकते हैं? और देखिए, ऑपरेशन बगैर कराए ही हम ठीक रह सकते हैं। जी मैंने अभी तक कोई ऐसा मरीज नहीं देखा जिसने ऑपरेशन कराया हो और वो खुश हो, और ऑपरेशन के बाद भी दवाइयाँ ही खानी पड़ती हैं। होता यह है कि ऑपरेशन जब तक नहीं होता, जब तक तो हमारे घुटने उठने खूब मुड़ते मुड़ाते हैं, चाहे मुश्किल से ही सही, लेकिन उसके बाद हम घुटने मोड़ कर बैठ नहीं सकते। अच्छा, ज़मीन में भी नहीं बैठ सकते, कुर्सी चाहिए, हर जगह पर कुर्सी चाहिए, जहाँ कुर्सी नहीं है वहाँ बैठ ही नहीं सकते। और मैंने ऐसा कोई मरीज़ नहीं देखा जो ऑपरेशन करा कर फ़ायदे में रहा हो। बहरहाल, वो लोगों की मर्जी है, लेकिन आप घुटने बदलवाने से पहले एक बार यूनानी का इलाज ज़रूर कोशिश किया करें, क्या पता आपको ज़िंदगी में आसानी हो जाए। बिल्कुल, इसी के साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। दिल्ली से हैं पिंकी हमारे साथ, स्वागत है पिंकी जी। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी, वेलकम सर। केंद्र। जी जी चिंकी जी, बताइए क्या सवाल है। हाँ जी सर, मेरे ना नाक में हड्डी बड़ी हुई है थोड़ी सी हल्की सी, और मेरा नाक भी बंद होता है, एलर्जी है नाक में। ठीक है ठीक है। अच्छा जी देखिए, जी
आपकी कोई भी उम्र रही हो चिंकी जी, लेकिन नाक की हड्डी कभी नहीं बढ़ती, ये मेरा अनुभव है। होता क्या है कि हमें एलर्जी होती है, कभी नाक बंद हो जाती है, कभी सांस मुश्किल हो जाती है, तो हमारे नाक के अंदर जो सिस्टम है उसमें गुदूद है, ग्लैंड्स हैं, जो सर्दी या एलर्जी होने पर फूल जाते हैं, जिससे हमें परेशानी होती है। तो अगर आप अपने इम्यूनिटी का इलाज करेंगे, इम्यूनिटी का इलाज इस वक्त हर किसी को ज़रूरत है, और जिसको ये प्रॉब्लम है एलर्जी की, वो कभी बड़ी तकलीफ़ में भी आ सकता है। तो इस एलर्जी का इलाज करने के लिए 5-6 महीने चाहिए। घरेलू नुस्खा भी बताता हूँ, दवा भी बताता हूँ। अगर आप ये कर लें, उसके बाद ही सोचें कि आपको ऑपरेशन कराना है। वैसे ऑपरेशन के बाद भी ये परेशानी जाती नहीं है, ये मेरा तजर्बा है। दवा के तौर पर आप, घरेलू नुस्खे के तौर पर आप देखिए, लीजिए अलसी, उन्नाव और सपिस्तान, 100-100 ग्राम खरीदें, और इसमें 30 ग्राम पीपलें जो हमारे किचन में मौजूद हैं वो मिलाकर पाउडर बनाएं, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी से खाएं, खट्टी चीज़ें छोड़ दें और लंबा इलाज करें। और इसके लिए इम्यूनिटी की एक दवा भी है, बल्कि मैं कहता हूँ इस वक्त वो सबको इस्तेमाल करनी चाहिए जो भी हमारे भारतवासी हैं, ताकि हमें एक इम्यूनिटी की खुराक की हर किसी को ज़रूरत है, और एलर्जी वालों को ख़ास तौर पर। चाहे एक रोटी कम खानी पड़े, लेकिन एक खुराक एलर्जी की ज़रूर लीजिए, इम्यूनिटी की ज़रूर लीजिए, ताकि आप अंदर से स्ट्रांग हो सके। सबको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी चाहिए, खास तौर पर आपको। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, जी नाम बताइए। हमारा नाम है शिव साई तिवारी। जी तिवारी जी, सवाल आपका। सवाल हमारा ये है कि वो हमारे वाइफ का ये तो गर्दन पर सूज जाता है, कभी हाथ सूज जाता है, कभी जो है पैर पर सूज जाता है, आधा अंग कभी तो सोच जाता है, कभी वो हाथ हुआ, कभी पैर हुआ, कभी तो कमर में तो सूजन हो जाता है। तो दर्द भी उसके लिए होता है, दवा हाँ सर, दर्द भी होता है, सूजन होती है तो दर्द होता। हाँ अब कभी घुटना में भी जो हो जाता है सर, उठने में बैठने में भी जो दिक्कत होता है, सूजन हो जाता है, ये बात अच्छा, है। उनकी एज और बता दीजिए। उनकी उम्र तो सर अभी जान लो कि 45 या 40 तक होगा वो। ठीक है, ठीक है। इसका अच्छा इलाज करिए, और अच्छा इलाज ये है कि उनको अलसी ले लीजिए, 500 ग्राम, 500 ग्राम अलसी खरीद कर भून लें, आधा भूने पूरी तरह नहीं, और पाउडर बना लें, और गोंद स्याह एक है, स्याह गोंद, इसको अलग से पाउडर बनाएं, और 1 चम्मच अलसी पाउडर और 1 या 2 चुटकी इसमें गौंद स्याह की मिला के रोज़ाना एक बार या दो बार खाने के पश्चात पानी से या बगैर चर्बी के दूध से, और वो अगर सेठानी है तो जूस से भी दे सकते हैं, और ये मटेरियल ख़त्म होते होते उनकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। जी आगरा से नेक्स्ट कॉलर हैं जेपी शर्मा जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। मैं आगरा से बोल रहा हूँ, मेरी उम्र 67 ईयर कितनी उम्र है आपकी? है। 67 साल। ठीक है, आपका सवाल। सवाल ये है मैडम, मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ था 2015 में। मैं ठीक है। ठीक हो गया, काफी कुछ या बिल्कुल ठीक हूँ, वकालत करता हूँ, अपना सारा काम करता हूँ, कोर्ट में भी जाता हूँ। अब स्थिति यह है, हाँ हाँ बताऊँ, स्थिति यह है कि अब मुझे एक और नई प्रॉब्लम करने को हो गई है, वो है कि पौधी आने में प्रारंभ में बहुत तकलीफ होती है और फिर उसके बाद कोई तकलीफ नहीं होती, यानी शुरुआती जी सुनना ठीक है जी, और कोई दिक्कत?
कॉल करके, ब्रेन हेमरेज हुआ इनको स्टार्टिंग में हुआ था, लेकिन अब इन्हें दूसरी दिक्कत ये हो गई है, इनको अच्छे से इमोशन पास नहीं होते हैं, दिक्कत परेशानी होती है। ठीक है, हाँ देखिए, आपके दोनों मर्ज के लिए एक दवा, और एक बात याद रखें वकील साहब के, जिसको भी ये बात भूलना नहीं, आप जिसको भी ब्रेन का फालिज, हेमरेज, लकवा, ये जो भी कहते हैं, तरह तरह के नाम हैं, होता है उसको बार बार होता है, तो ये नुस्खा आपकी ये हेल्प करेगा कि दोबारा नहीं होने देगा ये। और पेट तो बीमारी की जड़ है, तो एक नुस्खा जो इन दोनों बल्कि तीन चार काम करता है ये, वो है जैतून का सिरका। जैतून का सिरका असली वाला ले, मुश्किल से मिलता है, 3 चम्मच रात को पानी में डाल के और पी लिया करिए, छोटे चाय के चम्मच। ये आपका कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज, फालिज, लकवा, पैरालिसिस जो भी कहते हैं, ये दोबारा नहीं होने देता। और अगर बड़ी उम्र वाले इसको लिया करें तो ये इससे निजात मिल सकती है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता। ब्रेन हेमरेज होता है कोलेस्ट्रॉल खून में ज़्यादा मिलने की वजह से, जब हमारे दिमाग की किसी नर्व से गुजरता है तो हमें फालिज, लकवा, ब्रेन हेमरेज वगैरह वगैरह होता है। फिर जब हमारा खून में चर्बी ज़्यादा होती है तो हमारे दिल का रोग भी होता है, ब्लड प्रेशर का रोग भी होता है, और हमारे नसें जाम होने लगती हैं दिल की, जिसे हार्ट ब्लॉकेज भी कहा जाता है, ये उसे भी नहीं होने देता। 3 चम्मच रोज़ाना पिया करिए, ज़रूरत पड़े तो दिन में 2 बार भी ले सकते हैं जी। नेक्स्ट कॉलर हैं भटिंडा से हमारे साथ, कंचन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी। नमस्कार। हाँ मैम, मेरे ना बैक शोल्डर में पेन है। कब से? 6-7 मंथ से। एज क्या है आपकी? 40 ईयर। ठीक है। अच्छा बच्चा, एक एक्सरसाइज बताऊंगा, वो 2-2 मिनट जरूर करना, हो सकता है उसी से फ़ायदा हो जाए। एक तो उसका भी बताऊंगा, ज़रूरत पड़े तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज मस्त है। और वो ये है, ये कान आप अपने कंधे से लगाया करें, कंधा कान से नहीं लगाना, ये आपको 2-3 मिनट रोज़ाना करना ही है, 1-1 मिनट करके करें, एक साथ तो कर भी नहीं सकते। और एक ये ऐसे 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 ऐसे, ये भी 2-3 मिनट करें, आप देखेंगे 10 दिन में एक बहुत अच्छा रिजल्ट। हो सकता है दवा की ज़रूरत नहीं पड़े, और दवा बतौर भी लेना चाहें तो कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, सुबह शाम खाने के बाद लिया करें, आपका ये मर्ज ठीक होना मुमकिन है। तो बिल्कुल कंचन जी, सबसे पहले तो आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा, आराम पड़ जाता है, तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आपको यूनानी दवा लेने की। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, तो आपको यहाँ पे यूनानी दवा बता दी जा चुकी है, आप उसका लाभ उठाइएगा, फिर देखिएगा आपका रोग जो है वो ठीक हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? नहीं समझ में आई बात, पार्किंसन की दवा पूछनी थी मैं। अच्छा, कितनी उम्र का मरीज है? 12 थे भाई जी, मैंने सुनी नहीं, जरा देर से आया मैं, थोड़ा सा देर दो चीजें सुनी। मरीज की उम्र बता दीजिए। उम्र है 78 जी। 78। ये देखिए, एक तो ये इलाज है कि आप उन्हें मूंग की दाल से बनी हुई चीज़ें खिलाएं, मूंग की दाल भुनी हुई, मूंग की दाल खिचड़ी, मूंग की दाल का हलवा, मूंग की दाल की खिचड़ी, ये ज़्यादा खिलाया करें। और अगर फिर भी उनको फ़ायदा ना हो, लंबा इलाज है ये, कम से कम 6-7 महीने, 10 महीने भी करना पड़ सकता है। और वरना फिर ये है कि अलसी भूने, जितनी भी आप चाहें भून के रख लें अलसी पाउडर बना के, और हल्की सी भूना, ज़्यादा नहीं, इसका पाउडर 1 चम्मच लें, और इसमें 1 चुटकी रोज़ाना गौनसिया मिलाएं। गौनसिया एक रॉ मटेरियल लें, काला गौन होता है, कड़वा बहुत होता है, असली लें, और इसमें 1 चुटकी भर इसका पाउडर मिला के और सुबह को खा लिया करें, ज़रूरत पड़े तो शाम को भी खा सकते हैं, लेकिन काफ़ी लंबा इलाज होने से आपका ठीक होना मुमकिन है।